सजना जी मैनू छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी। कितना प्यारा लगता है ना। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग एक स्पेशल व्लॉग है। आज फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे मेरे मम्मी जी आने वाले हैं वीडियो के अंदर, सो बहुत खुश हूँ मैं। एंड चलो फिर मिलवाते हैं आपको मम्मी जी से, और हम लोग जा रहे हैं आज छोटी दीदी के घर, सो चलो फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। और गाइस, हम लोग आ चुके हैं रूम में, तो फिर चलते हैं। आज अलग खुशी है क्योंकि मम्मी जी फर्स्ट टाइम वीडियो में आ रहे हैं। चलो मिलाते हैं आपको मम्मी जी से। तो यहाँ पे अपने मम्मी जी। तो यार बहुत अच्छा लगता है किसी को मतलब वीडियो में इंक्लूड करना, स्पेशली घर वालों को, तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मम्मी जी मान रहे हैं वीडियो में आने के लिए, अदरवाइज नहीं मानते। सो इतनी बड़ी बात है। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। सो चलो यार चलते हैं फिर जल्दी जल्दी से, दीदी भी वेट कर रहे होंगे। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। यार गाइस ये वाला रोड भी थोड़ा ख़राब सा है, और यार सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जब किसी और के साथ बाइक चला रहे होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना पड़ता है। खासकर यार गाइस जब आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बाइक राइड करते हैं, सो यार थोड़ा केयरफुल होके चलना चाहिए, और अगर रास्ते ऐसे से हो फिर तो कुछ ज़्यादा ही केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यार गाइस पेरेंट्स की सेफ्टी ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो यार इनके साथ थोड़ा धीरे धीरे चलना चाहिए, एंड उनसे बातें करते करते। और यार अंदीदी के जो मतलब मेरे छोटे वाले दीदी हैं, उनके बेबी हुआ है, तो शायद वो अभी एक मंथ का हुआ है, तो मिलाते हैं आज आपको छोटी बेबी गर्ल से। एंड गाइज ऑल्सो थैंक्स फॉर 300 प्लस सब्सक्राइबर्स, मेरे लिए तो वो भी एक बड़ी बात है, सो आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। तो ये आ गए अपने जीजू जी, और प्रणाम बॉस। जय हो, जय हो, जय हो। कैसे हैं सर आप? बढ़िया से हैं। किताबें? मम्मी जी प्रणाम जी।
सो यार गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के घर में। चलो मिलाते हैं आपको दीदी से, यहीं पे हैं। सो यहाँ पे अपने दीदी, हाय। और यहाँ पे है छोटी सी बेबी गर्ल। अभी बच्चों हमारा सिर्फ एक महीने का हुआ है, सिर्फ एक महीने का बच्चू है। धीरे धीरे से आंखें खोल रहा है, आप लोगों को देख रहा है यार। सो यार गाइज, हम लोग दीदी से मिलने के लिए नहीं आए, हम लोग मिलने के लिए आए अपने बच्चू से। ये हमारा क्यूट सा बच्चू, हम लोग इसको मिलने के लिए आए। दीदी को तो मिलते रहते हैं, इनको तो बचपन से मिल ही रहे हैं। सो यार गाइज, अभी अपना बेबी उठ चुका है, इसका नाम है हितांशी। तो ये अभी जस्ट एक मंथ की हुई है। बच्चों को देख के अपना भी पास्ट याद आ जाता है। कभी हम लोग भी ऐसे ही छोटे छोटे थे, बट टाइम कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और यार वो टाइम भी जल्दी आएगा जब हितांशी और उसका मामू दोनों बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे और फिर याद कर रहे होंगे कि वाह यार, किसी टाइम पे मेरे मामू ने मेरी वीडियो बनाई थी। और हाँ यार, हम लोग स्पेशली इस वीडियो को इसीलिए बना रहे हैं कि ये हमारी एक मेमोरी रहेगी जो यूट्यूब पे सेव रहेगी, और हम लोग इसको काफ़ी सालों के बाद जब देखेंगे फिर उस टाइम पे हम लोग इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लोग याद करेंगे कि हम लोग पास्ट में क्या कर रहे थे। और यार हमारी वजह से ये भी खुश होगी कि उसका बचपन भी रिकॉर्ड हुआ था। जैसे यार हम लोग जब पैदा हुए थे तो हमारे पास उस टाइम की कोई इवन फोटो तक भी नहीं है, और ये तो काफ़ी खुश होगी इस बात को देख के कि हाँ यार मेरी तो वीडियो बनी थी। और आप लोग भी ट्राई करना कि अपनी मेमोरीज को सेव करना, ताकि लाइफ में उनको देख के हम फ्यूचर में खुश हो पाएँ। और हाँ यार, लाइफ एक ही है, सो ट्राई करना चाहिए कि खुश रहें, एंड मस्ट ट्राई कि अपनी फैमिली को खुश रखें। और हाँ यार, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।